कैसे हैं आप लोग। मैं आपका होस्ट, आपका अपना दोस्त राघव। रुको 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 दोस्त, मैं यहाँ पे आपको एक वार्निंग देने आया हूँ, एक चेतावनी देने आया हूँ कि अगर आप जा रहे हैं सिम्बा देखने तो फटाफट से वापस आ जाइए, पेटीएम से कैशबैक कर लीजिए और टिकट कर दीजिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल। क्योंकि दोस्तों ये मूवी है एकदम बकवास, घटिया और टिपिकल टाइप मूवी। इस मूवी को देखने के बाद आपको बस दो मूवी याद आएंगी, दबंग, दबंग टू या फिर सिंघम। सिंघम और दबंग टू अगर बच गई तो रॉडी राठौर आपको याद आएगी, क्योंकि ये मूवी एकदम घटिया और बकवास होने वाली है। क्योंकि 2.5 घंटे की इस मूवी में आप अपना टाइम काट नहीं सकते और फ्री तो आप बैठ नहीं सकते, तो गर्लफ्रेंड को लेके जाइए, थोड़ा इन्जॉय करिए, तो टॉपिक अलग है। अन्यथा अगर आप वहाँ पर इन्जॉय करने जा रहे हैं इस मूवी के नाम पे, तो आपको मिल सकता है धोखा धोखा धोखा। क्योंकि इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ 2-3 जगह बस कुछ अच्छे एक्टर्स की जो बीच में एंट्री हुई है वहाँ पर आप कह सकते हैं आशुतोष, जैसे कि आशुतोष राणा सर ने, उन्होंने कमाल की एक्टिंग करी है। लास्ट में अक्षय सर की एंट्री हुई अक्षय कुमार जी की, तो उन्होंने भी कुछ ढंग की एक्टिंग करी। बाकी ये मूवी एकदम बकवास है। इस मूवी को देखने से जाने से बढ़िया आप 10 रुपये की जलेबी खा लीजिए। इस मूवी को देखने से बढ़िया आप 10 रुपये की जलेबी खा लीजिए और हो सके तो मुझे भी पार्सल कर दीजिए, नीचे मेरी वेबसाइट है वहाँ पर जाके आई एम जस्ट किडिंग। लेकिन ये मूवी एकदम बकवास है। इस मूवी को देखने के बाद आपको मैंने जैसा कि शुरू में बताया आपको बस दो पिक्चरों की याद आएगी। ये मूवी एंटरटेनमेंट या एफरटेनमेंट के माध्यम से बिल्कुल बोरिंग।